जादुई लंबे पैर बकरी और दो रास्ते, रंगीन शेरों पर बाघ का आतंक। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे। ये रंगीन शेर बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही खुश मिजाज के थे। ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे, क्योंकि इनके जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर यानी द वाइट लायन अपने जंगल के रंगीन शेरों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। ये भी बहुत सीधा और भोला भाला शेर था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा सफेद शेर से बहुत खुश थे। और वहीं दूसरी ओर दूसरे जंगल में एक बहुत खतरनाक और ताकतवर बाघ रहा करता था। ये बाघ इतना खतरनाक था कि जंगल के किसी भी जानवर पर रहम नहीं किया करता था। जो भी जानवर उसे दिखाई देता वह उसका शिकार कर लिया करता था। सारे जानवर इस बाघ से बहुत डरते थे और ये बाघ ऐसे ही एक एक करके सभी जानवर को मारने लगा था। ऐसे करते करते इस जंगल के सभी जानवर खत्म हो गए थे। तब बाघ बोला, अरे इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं बचा, अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। तभी दौड़ता हुआ चीता आता है, जो कि बाघ का दोस्त था। अरे बाघ मेरे दोस्त, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया है। क्या चीता, सच में? बताओ मुझे कहाँ है शिकार। हाँ हाँ बाघ, बताता हूँ। पास वाले जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहते हैं और उनके जंगल का राजा एक सफेद शेर है। तुम चाहो तो उस जंगल में जाकर उन शेरों का शिकार कर सकते हो। अरे वाह चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं अभी जाता हूँ और उन शेरों का शिकार करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह बाघ रंगीन शेरों के जंगल में आता है और आते ही उसने एक नीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे बड़े मजे से खाने लगा। और अब इस बाघ ने इसी जंगल में एक जगह पर अपना बसेरा बना लिया था। ऐसे ही दूसरे दिन बाघ ने एक पीले रंग वाले शेर पर हमला कर दिया और उसे भी बड़े मजे से खाने लगा। लेकिन अब की बार बाघ को ऐसा करते हुए एक हरे रंग वाले शेर ने देख लिया था और वह हरे रंग का शेर सीधे अपने महाराज सफेद शेर के पास पहुंचा। महाराज महाराज, हमारे जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक बाघ आ गया है। उसने आते ही हमारे रंगीन शेरों पर हमला कर दिया। कुछ करो महाराज। क्या उस बाघ की ये मजाल, मैं अभी देखता हूँ उसे। तब सफेद शेर गुस्से से दौड़ता हुआ उस बाघ के पास आता है और आते ही उस बाघ पर हमला कर देता है। लेकिन बाघ बहुत ताकतवर था, उसने भी शेर पर पलटवार किया, जिससे सफेद शेर घायल हो गया था और सफेद शेर किसी भी तरह बचकर वहां से भाग गया। जब सफेद शेर रास्ते से जा रहा था, तब उसे दो रास्ते दिखाई दिए, जो कि एक रास्ता साधारण था और दूसरा रास्ता हीरे से बना होता है। साधारण रास्ते के सामने एक भालू खड़ा होता है और हीरे के रास्ते के सामने एक हीरे का भालू खड़ा होता है। अरे सफेद शेर, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा और तुम बड़े मजे से मेरे साथ रहना। यहाँ पर तुम्हें किसी बाघ से डरने की जरूरत नहीं है। अरे सफेद शेर, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस बाघ से बचने की तरकीब बताऊंगा, जिससे तुम अपनी और अपने रंगीन शेरों की रक्षा कर सकते हो। यह सुनकर सफेद शेर उस साधारण भालू के साथ उसके घर चला जाता है। तब भालू बोला, सुनो सफेद शेर, मैं जानता हूँ तुम उस बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने शेरों की हिफाजत करना चाहते हो। हाँ भालू, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं अपने शेरों की जान बचा सकूं। सुनो सफेद शेर, मेरे पास एक शक्ति है, मैं उस शक्ति से जंगल में एक लंबे पैर वाली बकरी घर बनाकर देता हूँ और मैं उसमें लंबी टांग वाली बकरी घर में सीढ़ियां भी लगा दूंगा। तुम उसमें अपने सभी रंगीन शेरों को लेकर जाना और वहाँ तुम सभी आराम से रह सकते हो। और हाँ, तुम्हारे जाने के बाद उस बाघ को वह सीढ़ियां नजर नहीं आएगी। भालू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब भालू सफेद शेर के जंगल में एक लंबी टांगों वाली बकरी घर बना देता है और उसमें सीढ़ियां भी लगा देता है। तब सफेद शेर अपने सभी रंगीन शेरों को लेकर उस लंबी टांगों वाली बकरी घर में चला जाता है। कुछ देर बाद बाघ भी वहां पर आ जाता है, लेकिन बाघ को उस लंबी टांगे वाली बकरी घर में जाने वाली सीढ़ियां नजर नहीं आती है। ये देखकर बाघ वहां से खाली हाथ वापस लौट आता है और अंदर सफेद शेर अपने सभी रंगीन शेरों के साथ
इस बकरी घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में दो रंगीन शेर रहा करते थे। ये दोनों ही शेर बहुत ताकतवर थे। ये दोनों ही शेर बहुत घमंडी और दुष्ट व्यवहार के थे। इन दोनों ने पूरे जंगल पर अपना हुक्म चला रखा था और ये जंगल के जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारते थे। और इनका सेवक एक बाघ था जिसका नाम बंटी था। बंटी बाघ बहुत दयालु और ईमानदार था और ये दोनों शेर बंटी बाघ से सारा सारा दिन काम करवाया करते थे और खुद बड़े मजे से गुफा में आराम किया करते थे। बंटी बाघ इनके लिए भोजन लाया करता था और ये दोनों बड़े मजे से खाया करते थे और बंटी बाघ इनका बचा कुचा खाना खाया करता था। फिर एक दिन दोनों बंटी बाघ से कहते हैं, अरे सुनो, हम दोनों बहुत भूखे हैं, जाओ जंगल में जाकर हमारे लिए पानी और भोजन लेकर आओ, और हाँ खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भुर्ता बना दूंगा, समझा। तब वे बाघ पानी और भोजन की तलाश में जंगल निकल जाता है। बंटी को कहीं भी पानी और भोजन नहीं मिला था। वह ढूंढते ढूंढते जंगल में दूर चला जाता है। कुछ दूर चलते ही बंटी बाघ के सामने एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक जादुई सोने की बकरी बाहर निकलती है। ये देखकर बंटी बाघ हैरान हो जाता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दरवाजा कहाँ से आया, और ये अद्भुत सोने की बकरी, ये तो बहुत ही सुंदर है, चलो चलकर पूछता हूँ। वह बकरी बंटी बाघ के सामने आ खड़ी हुई। तब वह कहती है, अरे बंटी बाघ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अरे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? बंटी बाघ, मैं जादुई सोने की दुनिया से आई हूँ और मैं यहाँ मनी की तलाश में आई हूँ। दरअसल हमारी मनी को एक शैतानी शेर ने चुराई है और वे इसी जंगल में आया है, और उस मनी को ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे तो इस जंगल में कोई भी शैतानी शेर नहीं मिला। बाघ, उस शैतानी शेर ने इस जंगल में एक जादुई गुफा बना रखी है और उस गुफा को सिर्फ वो ही देख सकता है जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो, और वो तुम ही हो। ठीक है बकरी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब ये बाघ जंगल में वे जादुई गुफा ढूंढने निकल जाता है। फिर अचानक से उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा उस रोशनी के पीछे एक काली गुफा थी। अच्छा तो ये है वो काली गुफा जिसमें वो मनी है, मैं अभी जाता हूँ और वे मनी लेकर आता हूँ। तब बाघ दौड़कर उस गुफा में चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है वे मनी बहुत तेज से चमक रही थी। ये देखकर बाघ उसे देखता ही रह जाता है। वाकई ये मनी बहुत ही अद्भुत है, जल्दी कर बाघ, इससे पहले वे शैतानी शेर यहाँ पर आ जाए, मुझे ये मनी उस सोने की बकरी के पास लेकर जानी होगी। तब बंटी बाघ उस मनी को लेकर सोने की बकरी के पास आता है और बकरी वे मनी ले लेती है। तब अचानक से वहां पर वह शैतानी शेर भी प्रकट हो जाता है। शैतानी शेर को देखकर बाघ बहुत घबरा जाता है। तब बकरी बाघ से कहती है, बाघ तुम इसे देखकर घबराओ नहीं, अब ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे पास वे जादुई मनी है। अबे ओ दुष्ट बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से वे मनी चुराने की, मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अबे चल हट, मैंने वो मनी उसी को वापस करी जिसकी थी, तेरी तो वो मनी थी ही नहीं। हाँ शैतानी शेर, अब तुम्हारा खेल खत्म, तुमने हमारी दुनिया को बहुत परेशान करके रखा था, आज मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। इतना कहते ही सोने की बकरी ने अपनी जादुई मनी से भयंकर शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर वहीं पर जलकर राख हो गया। और अब वे सोने की बकरी बाघ को जादुई शक्तियां दे देती है और अब बाघ शक्तियां पाकर बहुत खुश हो जाता है। तब बकरी बाघ से अलविदा कहकर बोलती है, बाघ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ
अब तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, अब तुम्हें किसी दुष्ट जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे बकरी वहाँ से गायब हो जाती है। तब बाघ वापस जंगल में आता है। दोनों रंगीन शेर बाघ को खाली हाथ आता देख बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ओ बंटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, आज हमें छोड़ दो। ठीक है माफ किया, चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।